बहुत सेंटेंस बोलते हैं चाइना को, हमने चाइना के सी जिनपिंग को झूला झुलाया था। बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने। आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े? सिर्फ दो, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया, वो झूला झूल रहा। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। और इन्होंने कहा बदलाव आया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूं 2014 से पहले देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र था धमाके नहीं होते थे? आतंकवादी हमले, चंडीगढ़ में धमाके, दिल्ली में धमाके, बंबई में धमाके, पुणे, नासिक, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सी ऐसी जगह थी? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, पार्क पे जाइए तो लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो सकता, बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए धमाका हो सकता। और उसके बाद 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्मल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है, यानी हम मान लेते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। और क्या कहते हैं? आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये शर्मल शेख जुलाई 2009, 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है 26/11 के। और हमने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी। और उससे ये बदलाव आया। और हमने हासिल क्या किया? हमने हासिल वो किया जो सन 71 के समय में भी आपको सुनने में नहीं मिला होगा। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के सांसद ने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ को का कोट करते हुए, कि शाह महमूद कुरैशी साहब, देन फॉरेन मिनिस्टर, आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये पैर कांपते तो किसी ने भी नहीं सुने थे। और इन्होंने कहा भारत का भूगोल हां बदला था। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित करके, भारत के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब उस समय 2 ही टुकड़े थे, ये AICC के रेजोल्यूशन में पास हुआ। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार ने शुरू की, और वो एक अच्छा कदम था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिससे देश आगे बढ़ा। मगर उस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनको AICC में उनका शव तक नहीं रखा गया। और तीसरी बात अंत में कह दूं, इन्होंने बात कही जय जवान जय किसान, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी ने शानदार काम किया। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू हुआ। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, इसे सिर्फ संयोग माने या कोई रहस्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा, दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई, और रहस्यमय तरीके से, और दोनों में से किसी चीज की जांच नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो परिवर्तन किए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है। अब भारत एक समृद्धशाली, मजबूत, स्वाभिमानी, गौरवशाली राष्ट्र है, जिसमें इतना बित्ते भर का भी विदेशी प्रभाव नहीं।